मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं डी लाइव। विशेषज्ञ टुडू राज्य मंत्री भारत सरकार जल शक्ति एवं ट्रेवल मंत्रालय के साथ खास इंटरव्यू जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। विशेषज्ञ टुडू राज्य मंत्री भारत सरकार मंत्रालय जल शक्ति एवं ट्रेवल आज हमारे साथ है। कुछ सवाल आपके मंत्रालय से, जल शक्ति में अभी भारत सरकार क्या क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं अपने मंत्रालय की तरफ से? देखिए, आज़ादी की 75 साल पूरी हो रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री का आग्रह है कि जैसे पानी का जो संकट दिखाई देता है, इसलिए हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 75 जो वाटर बॉडी है पुराना को रिनोवेट किया जाए, नहीं तो फिर नया एक वाटर बॉडी बना जाए। इसी क्रम से सर्वनिम्न 75 एक एक डिस्ट्रिक्ट में वाटर बॉडी बनाया जाए, ताकि जितने भी जो रेन वाटर हम लोग का वेस्ट हो जा रहा है उसको हम स्टोर कर पाएंगे। इसमें हम लोग को क्या लाभ मिलेगा, एक तो वाटर को स्टोर करेंगे और धीरे धीरे जो वाटर लेवल गिरता है उस टेबल में ऊपर आ जाएगा। इसलिए जल शक्ति में हम लोग बहुत सारी स्कीम में, जैसे कि कैच दी रेन, मतलब वाटर को आप पकड़ लीजिए, इससे चेक डैम होगा, बैरेज बनेगा, इसे बहुत सारी ऐसे कि हम शायद सफल हो जाएगा। वो सफल होने से जैसे पानी बहुत वेस्ट हो जाता है, फ्लोड हो जाता है, उसमें कंट्रोल भी हो जाएगा और हम लोग वाटर को स्टोर कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है सर। जो जिस प्रकार चतुर्भुज योजना पूरे राष्ट्र को एक एक मोती में पिरो दी, उसी प्रकार नदी के लिए भी अटल बिहारी ने बहुत अच्छा ब्लू प्रिंट बनाया था, तो आपकी सरकार उसमें कितना हद तक आगे बढ़ चुकी है सर? नहीं नहीं अभी देखिए, बहुत सारी स्टेट में ये इंटरलिंकिंग का जो मामला है, ये स्टेट का भी मामला होता है, इसलिए जो जो स्टेट ने उसको स्वीकार कर लिया, वो काम को आगे बढ़ा दिया, तो इसे कुछ डीपीआर रेडी हो गया है, शायद हो जाएगा एक दो साल में ये बहुत आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये एक तो बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है और इसमें इशू भी बहुत आता है, कौन सा स्टेट, ये दोनों स्टेट का वो लोग का भी थोड़ा सहमति होना चाहिए। जहाँ जहाँ सहमति आ जाएगा वो जल्दी हो जाएगा, और जो जो थोड़ा उसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी रहेगा वो थोड़ा देर लगेगा, लेकिन ये होगा सर। जैसे पंजाब में बहुत सा इशू होता है, हरियाणा पानी छोड़ देता है, इधर साउथ में जाते हैं, तो ये सब इशू सर कुछ हल हुआ है? नहीं, पानी के लिए बहुत गर्म, अभी तो ठीक है कि जब बाढ़ आता तो स्टेट पानी छोड़ देता, लेकिन सबसे प्रॉब्लम होता है जब आपका गर्मी के दिन में पानी, इसके लिए सुन नेशनल पॉलिसी बनी है? नहीं, नेशनल पॉलिसी मतलब जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारी जितना भी डैम है, वाटर बॉडी है, छोटा से लेकर बड़ा तक, वो बहुत पुराना जो होता है उसका स्टोर कैपेसिटी थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए उसको पहले रिनोवेट किया जाता है, रिपेयर किया जाता है, ताकि स्टोर कैपेसिटी बढ़ेगा। इसके साथ साथ हम नया कुछ वाटर बॉडी बनाएंगे, कहीं चेक डैम बनाएंगे, कहीं बैरेज बनाएंगे, कहीं डैम बनाएंगे, ऐसे करके पहले तो हम ये वाटर बॉडी को बढ़ाएंगे, ताकि आप जो रेन वाटर बारिश का दिन में वो बह जाता है वो स्टोर रहेगा, और उसको हम समर सीजन में उसको रिप्लेस कर पाएंगे। सर, असम बाढ़ में पूरा त्रस्त है और उसके बाद बिहार का भी नंबर आने वाला, इसके लिए कुछ प्लान है सर आपके पास? नहीं, ये देखिए, जो बहुत बारिश हो जाता है उसी टाइम में तो ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और उसका जो है मैकेनिज्म है और मॉनिटरिंग जो करना है, जब ये टाइमली हो जाएगा, ये स्टेट में ये सब होता है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट का जो मैकेनिज्म है, मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म, वो जब टाइम पर करेगा तो शायद जितना बाढ़ आने से भी उसको कंट्रोल किया जा सकता है। सर, इसको टूरिज्म से भी जोड़ा जा सकता है, क्योंकि टूरिज्म भी बहुत बड़ा एक तो हब बन सकता है, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा, इसके लिए कुछ योजना है सर? नहीं, बिल्कुल, आप देखिए, हम लोग का जो गंगा का जो सफाई के लिए जो एक्टिविटी चल रहा है, दोनों तरफ बहुत सारी एक्टिविटी, क्या आप जैसे कि कह रहे थे कि टूरिज्म का डेवलप हो रहा है, हॉर्टिकल्चर का डेवलप हो रहा है,
घाट का डेवलपमेंट हो रहा है, इसे बहुत सारे दोनों साइड में हो रहा है। इसे क्योंकि मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में बड़ा बड़ा चार बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट टूरिज्म का प्रपोजल दिया था, शायद वो DPR बनने वाला है, फिर इसे छोटा मोटा करके 12 एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2-3 साल में जो हम 12-13 को टेकअप कर पाते हैं, तो ये स्थानीय जो प्रतिनिधि है चाहे वो विधायक है या सांसद है, नदी नाला तालाब डैम इसके लिए सब कुछ सख्त कदम कानून में लाने के विचार है। देखिए कानून तो बहुत सारी है, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ होता है अवेयरनेस। जब तक हम अवेयर नहीं होंगे, मान लीजिए कि एक छोटा सा एग्जांपल, एक डस्टबिन है, हम डस्टबिन में कचरा को नहीं फेंकेंगे और इधर उधर फेंकेंगे, ड्रेन में फेंकेंगे, नाला में फेंकेंगे, तो प्रॉब्लम हमारी है। इसलिए हम लोग नदी में बहुत सारी जो ये करते हैं नहीं होना चाहिए, कानून तो है, लेकिन पहले तो अवेयरनेस, पब्लिक का अवेयरनेस जब तक नहीं होगा कानून कितने को दंडित करेगा। इसलिए पहला तो पब्लिक का अवेयरनेस, इसके साथ साथ फिर गवर्नमेंट का जो जो कदम उठाना चाहिए वो जो करेंगे तो ये पोल्यूशन भी थोड़ा कम हो जाएगा। ट्रैवल के लिए सर कुछ योजना, क्योंकि ट्रैवल बच्चे भी बहुत पढ़ लिख के आगे जा रहे हैं, और उसके लिए सर आपके आपके मंत्रालय के कुछ योजना? देखिए हमारा मंत्रालय हायर स्टडी के लिए आप मुझको भी सपोर्ट करते हैं, फॉरन में रिसर्च वगैरह जो करने के लिए दो चार इंटरेस्टेड और मंत्रालय उसको सपोर्ट करता है। और अभी आप लोग का एकोलोबी मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो क्वालिटी एजुकेशन के लिए देश भर में 700 एकोलोबी मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, जहां क्लास 6 से 12 क्लास तक बच्चे लोग पढ़ाई करेंगे, 250 गर्ल्स एंड 250 बॉयज, पहले शायद इतना नहीं था लेकिन इस बार देश भर में 700, मेरे डिस्ट्रिक्ट में 26 ब्लॉक्स से 19 ब्लॉक्स के लिए ये हुआ है। तो इसी तरह आप जो कंपेयर करेंगे, प्रधानमंत्री का ये बहुत बड़ा निष्पत्ति है कि जब तक तो ट्राइबल लोगों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगा CBSE पैटर्न अर्थात इंग्लिश मीडियम का, तब तक ये आगे नहीं बढ़ेंगे। इसीलिए ये योजना 2018-19 से लागू हुआ है, बहुत सारे स्टेट में उसका प्रोग्रेस शायद 2023-24 में वो 700 विद्यालय ये कंप्लीट हो जाएगा। ये एजुकेशन हो गया, और फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए ट्राइफेड एक्टिविटी अभी शुरुआत हुई है। बहुत सारे स्टेट में हमारा जो इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी है उसका थ्रो में ये ट्राइफेड एक्टिविटी चल रहा है, बंधन विकास केंद्र के माध्यम से जितने भी वन्य लघु जन वनजाति द्रव्य वो वहाँ उसको सेल करके गवर्नमेंट का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसमें वो अच्छा पैसा उसको मिल जाएगा, नहीं तो इधर उधर किसी का कीमत जो 10 रुपया वो 5 रुपया भी बेच देते हैं। लेकिन ये बंधन विकास केंद्र में ये गवर्नमेंट रेट में उसको वहाँ सेल करके अच्छा पैसा उसको मिलेगा और उनको फाइनेंशियल डेवलप। जल शक्ति और ट्राइबल में सरकार, भारत सरकार बहुत अधिक ध्यान दे रही है, अनेक योजना ला रही है, लेकिन आपको जल शक्ति के लिए अवेयरनेस का जरूरत है।